अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक खुशगवार सुबह के साथ मैं वादी नलतर से आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल दिन है यहाँ नलतर वैली में, और तकरीबन रात से पूरी रात यहाँ पर नलतर वैली में बर्फबारी हुई है और एक खूबसूरत समा भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट है इस नलतर वैली में। यहाँ पर ये पूरी वैली इस वक्त तकरीबन बर्फ से बिल्कुल ढकी है। यहाँ पर स्केटिंग होती है, बहुत बड़ा एक स्केटिंग का एक सिस्टम है यहाँ नलतर वैली में। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर से, हर जगह से यहाँ पर टीमें आती हैं, स्केटिंग करती हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं। तो आज भी हमारा एक ये स्पेशल प्रोग्राम है जो हम स्पेशली आए हैं यहाँ पर, उस स्केटिंग जिस तरह से यहाँ पे होती है उसको सारा कवरेज देने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। इस बर्फ के ऊपर गाड़ी लेके जाना खासा मुश्किल है, तो इसी वजह से हम आज पैदल अभी निकले हैं। इंशाल्लाह 10-15 मिनट हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे, और वहाँ पहुँचने के बाद हम आपको वो सारा सिलसिला, वो सारा इवेंट स्केटिंग का हम आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए, तो जल्द हम वहाँ पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट में, और उसके बाद आपको हम सारा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। हम उस एग्जैक्ट उस पोजीशन पर भी पहुंचे हैं जहां पे एक स्केटिंग का यहां पे एक इवेंट होना है। और ये मेरे बैक साइड पर आप देखें, ये वो स्पॉट है जहां पे स्केटिंग होती है। एक बहुत ही लंबा सा एक स्पेस है, टाइम लाइन है, और यहां पर बहुत सारे लोग, जैसे मेरे बैक साइड पर आप देखें, यहां पर काफ़ी पब्लिक आई है। आज एक स्पेशल इवेंट है स्केटिंग का, तो ये थोड़ी देर बाद ये इवेंट शुरू होगा। इस सबसे मेन चीज तो यह है कि मर्द, जैसे कि हर फील्ड में खुद को वो साबित करते हैं कि वो किसी से कम नहीं, तो लाइक वाइज में जिस जगह से मेरा ताल्लुक है, तो यहाँ फीमेल्स किसी भी चीज में पीछे नहीं बैठते, चाहे वो स्कीइंग हो, चाहे वो माउंटेन क्लाइंब करना हो, या जो भी काम हो। तो बेशक हमें ना आए, लेकिन एटलीस्ट हम हिस्सा जरूर लेते हैं। बस सबसे मेन चीज की कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो अभी तक उनको ज्यादा परमिशन नहीं मिलता है कि इस फील्ड पे जाके वो पार्टिसिपेट करें। फिर जो जो 2-3 लड़कियां पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए भी एक इनिशिएट होता है। तो इसीलिए हम बस टैगर जो फीमेल्स होते हैं उनको कन्विंस करने के लिए, हम बेशक हमें नहीं आ रही, हम न्यू है, लेकिन फिर भी हम एक इनिशिएट ले रहे हैं। बस यही कि शुरू से एथलेटिक्स और इस टाइप के स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, जैसे ट्रेनिंग्स ना होने की वजह से, हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास जैसे नलतर वैली में हमारे पास एक अच्छा स्की लेफ्ट है, इसको यूज़ करते हुए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पे आके, जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनको आके यहाँ पे सीखना चाहिए, और इंटरनेशनल जो कंपटीशंस होती हैं इसमें कम्पीट करना चाहिए उनको। बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर मैं प्रैक्टिस जारी रखूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ और भी मेरे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मैं इस गेम को कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ। ऑल्दो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कंटिन्यू रख सकती हूँ, और मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आगे इसमें अपना फ्यूचर बना सकती हूँ। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वो लोग चाहें, जैसे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल जो जितने भी प्लेयर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, मेरा मैसेज ये है उनके लिए कि वो आ जाएं यहाँ पे, बड़े बड़े कंपटीशन जो हैं वो यहाँ पे रखवाएं, और यहाँ के लोगों को भी एंटरटेनमेंट मिलेगा, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा।
इट्स यू नो हम लोग इस तरह के एरिया में पैदा हुए हैं विच इज रिच विद यू नो स्नो क्लैड माउंटेन्स एंड वेरी मच बायोडाइवर्सिटी. सो ये एक इनबॉर्न हमारे अंदर एक पैशन होता है ये चीज़ करने के लिए. सो नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी फॉल एंड अगेन वी स्टैंड अप एंड वी डू इट, इट्स अ पैशन. इट्स यू नो फीमेल हमारे के लिए बल्तिस्तान में हर एक चीज़ में बहुत टॉप पे हैं, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलते इस तरह की स्ट्रांग लेडीज़ को देख के. सेकेंड, ये तो मेरा अपना बहुत ज़्यादा शौक है क्योंकि मुझे एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर. आई थिंक एक्सट्रीम पोटेंशियल है जो दूसरे कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों के लिए स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं और उनको इस तरह का माहौल मिलता है. बट हमारे यहाँ पे अगेन नेचुरल वो इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से लोग खुद ही ये चीज़ करते हैं स्टार्ट, उनको कोई लाके ट्रेन वगैरह नहीं करता. सो अपने बलबोते पे वो बहुत कुछ कर जाते हैं. और बहुत सारे हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं, समीना बैग से लेके आप देखें, नज़ीर साबिर से लेके, सो मेनी पीपल आर देयर जो कि अपने ही बलबोते पे देयर सेल्फ मेड. It Gilgit Baltistan is, I think, one of the most beautiful places on earth. So you must visit here. Or yahan ka culture, yahan ke log, everything is really nice. So skiing to hai already itna popular. So ye jagah bahut hi zyada fit hai un logon ke liye. It's peaceful. Everything is good. Yeah, log cooperative hai. Everything is good. So guys, आपने देखा कि एक इस पूरे वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया कि यहाँ नलतर वैली के अंदर आज एक स्पेशल इवेंट था स्कीटिंग का. यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से जो यूथ थी, लड़के थे, लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ पे एक बड़ी टैलेंट भी आपने देखा कि किस तरह से ये हार्ड वर्क करते हैं, किस तरह से इनकी एक अंदर एक जज्बा था इस गेम को अच्छे से अच्छी तरह परफॉर्म करने की, उसको उसके अंदर एक ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करने की. तो इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं यहाँ पर, जो यूथ है, स्पेशली नई नस्ल है, ये ज़्यादा इंथोजियास्टिक है, इनके अंदर ज़्यादा जज्बा है मुख्तलिफ शोबों में आगे आने की और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करने की, महारतें हासिल करने की और पूरी दुनिया में एक नाम कमाने की. तो यहाँ की यूथ बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर क्रिएटिविटी है, जज्बा है आगे बढ़ के नए शोबों में आके, चाहे वो गेम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो या ज़िंदगी के जितने भी शोबे हों, इन शोबों के अंदर एक बड़ा नाम कमाने की इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा जज्बा पाया जाता है. यहाँ नलतर वैली के अंदर स्पेशली इस तरह के जो इवेंट्स होती हैं, ये तकरीबन दिसंबर से लेकर के फरवरी के दरमियान जब यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उस दौरान ये इवेंट्स होती हैं. और इन इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो टीमें हैं यहाँ पर हिस्सा लेती हैं. बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े मुकाबले होते हैं और ये मुकाबले पूरी दुनिया के लिए एक ज़्यादा अट्रैक्शन देती हैं. तो इंशाल्लाह दोस्तों, अगर आप आएंगे गिलगित बल्तिस्तान सर्दियों में, मौसम सरमा में, जब आप यहाँ नलतर वैली का विज़िट करेंगे और यहाँ आप अपने आंखों से देखेंगे कि यहाँ पर स्पेशली ये गेम्स में यहाँ की यूथ कितनी परफॉर्म करती है, इनके अंदर कितना टैलेंट है. और हमें उम्मीद है कि ये गेम्स से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आप इंजॉय करेंगे और ये पूरी दुनिया के लिए तकरीबन हर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए एक बहुत ही बड़ी दिलचस्पी पाई जाती है.